ब्रिजिटन की एपिसोड 7 का स्टार्ट डैफनी और साइमन की लड़ाई से होता है, जहां दोनों एक दूसरे को फुली इग्नोर करते नजर आते हैं। साइमन डैफनी को अपनी आंखों के सामने से दूर नहीं होने देता जब तक कि उसे पता ना चल जाए कि डैफनी प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं। इसलिए जब उन्हें कॉलिन के स्कैंडल का पता चलता है तो साइमन डैफनी के साथ जाने का फैसला करता है। यहाँ मेरीना की प्रेगनेंसी की न्यूज ने सिर्फ उसे इफेक्ट नहीं किया था, बल्कि फेडरिंगटन हाउस की सब लेडीज इस वजह से शक और तनकीद का निशाना बन रही थीं। लेडी फेडरिंगटन मरीना को अपने घर से निकालने की हर ट्राई करती हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। हर चीज के लिए पैसों की जरूरत है जो उनके पास नहीं है। डैफनी घर पहुंच के देखती है कि उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, क्योंकि सिर्फ फेडरिंगटन हाउस नहीं बल्कि कहीं ना कहीं ब्रिजिटन हाउस भी इस स्कैंडल की वजह से लोगों की बातों का निशाना बना है। लेडी ब्रिजिटन मशवरा देती हैं कि अगर लोग देखेंगे कि हेस्टिंग्स अभी भी ब्रिजिटन्स के साथ हैं, तो वो ब्रिजिटन्स के बारे में बातें करना बंद कर देंगे। ये देख के डैफनी साइमन के साथ क्वीन की लंच पार्टी अटेंड करने का फैसला करती है, पर कॉलिन इस सबसे ज्यादा खुश नजर नहीं आता। ये देख के डैफनी अपनी प्रेजेंस में उसकी और मरीना के लिए एक मीटिंग अरेंज करने को तैयार होती है। विल साइमन को समझाने की ट्राई भी करता है कि वो डैफनी के साथ गलत कर रहा है, पर साइमन के लिए सिर्फ अपने फादर को दिया हुआ वादा इम्पोर्टेंट होता है। रात साइमन के घर आने पर डैफनी उसे क्वीन के लंच के बारे में बताती है। दोनों एक दूसरे से नाराज होने के बाद भी दूर नहीं रह पाते, लेकिन साइमन अब मजीद डैफनी से कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं रखना चाहता, क्योंकि डैफनी अब सब जान चुकी है और वो कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए वो डैफनी से कहता है कि अगर वो बेबी के बगैर उसके साथ रहना चाहती है तो वो उसे रिस्पेक्ट भी देगा और एक लग्जूरियस लाइफ भी, पर अगर उसे बेबी चाहिए तो वो बेशक उसे छोड़ सकती है। डैफनी कॉलिन और मरीना को मिलवा देती है, जहां मरीना के मुंह से ये सुनने के बाद कि वो कॉलिन को ट्रिक कर रही थी, कॉलिन का दिल टूट जाता है। मरीना कहती है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, किसी ने भी उसे नहीं समझा और ना ही सही से गाइड किया, क्योंकि वो डरी हुई थी। कॉलिन पे अब किसी भी बात का असर नहीं होता। वो बस जाते जाते उसे कहता है कि अगर वो कॉलिन को सच बता देती तो शायद तब वो मरीना से शादी कर लेता, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करता था। डैफनी को कहीं ना कहीं मरीना के लिए बुरा भी लगता है। क्वीन की लंच पार्टी पे सबकी नजर ड्यूक और डचेस पे ही होती है, जैसा कि वो चाहते थे। क्वीन एलोइस से विसलडाउन की आइडेंटिटी का पूछती है, पर एलोइस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई थी। ये बात क्वीन को कुछ अनॉय कर देती है। लेडी डैनबरी डैफनी को अपनी पार्टी पे इनवाइट करती है, जहाँ सिर्फ मैरिड लेडीज ही इनवाइटेड हैं। लेडी फेडरिंगटन क्वीन की पार्टी पे अपनी डॉटर्स के साथ पहुँचती है। एलोइस पेन से कहती है कि वो बेशक विसलडाउन की एडमायरर है, लेकिन जब वो उसे ढूंढ लेगी तो पेन की फैमिली की रेपुटेशन सही करने को बोलेगी। क्वीन फेडरिंगटन फैमिली को अपनी पार्टी में एक्सेप्ट नहीं करती और बहुत इंसल्ट करके निकाल देती है। डैफनी अपनी मदर पे बहुत गुस्सा होती है कि उन्होंने उसे मैरिज रिलेशंस के बारे में कुछ नहीं सिखाया। अगर उन्होंने उसे सब कुछ बता के भेजा होता तो आज वो ऐसे बेवकूफ ना बनती। उन दोनों को ये बातें करते हुए डैनबरी सुन लेती है। डैफनी मरीना से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो उसकी सिचुएशन समझती है, इसलिए उसकी मदद भी करना चाहती है। मरीना उसे जॉर्ज के बारे में सब बता देती है। डैफनी उसे यकीन दिलाती है कि वो जॉर्ज को वापस लाने की पूरी ट्राई करेगी और ये मेक श्योर करेगी कि वो इसकी और इसके बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। फेडरिंगटन पैसे बनाने के लिए विल के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि अगर वो अपने नेक्स्ट आने वाले मैच में जानकर हार जाएगा तो फेडरिंगटन के पास जितने भी पैसे बने वो उसका आधा विल को दे देगा। ऐसा करके इन दोनों की जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं और ये दोनों अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। विल ये मानने से इनकार कर देता है, पर फिर भी फेडरिंगटन उसे इस बारे में सोचने का बोल के चला जाता है। एंथनी साइमन से मिलके उसे डैफनी को खुश ना रखने
का ताना देता है और इस सब में उसके फादर को भी ले आता है। साइमन गुस्सा होके उसे उसकी नाकामियों का ताना देता है, जिस पर दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। डैफनी घर पहुंच के साइमन को ऐसे जख्मी देख के रह नहीं पाती और उसे मेडिकेट करती है। डैफनी साइमन को समझाने की ट्राई करती है कि बेबीज तो ब्लेसिंग होते हैं। वहीं साइमन उस पर रिवील करता है कि वो बच्चे क्यों नहीं चाहता। उसे बताता है कि उसने अपने फादर से बदला लेने के लिए उनसे बच्चा ना करने का वादा किया था। डैफनी को उसकी ये बातें बिल्कुल बेतुकी लगती हैं कि वो एक लेम वादे की वजह से उन दोनों की खुशियाँ छीन रहा है। लेकिन साइमन अपनी जिद नहीं छोड़ता। ये देख के डैफनी उसे कहती है कि कुछ दिनों में उसे पता चल जाएगा कि उन दोनों का बेबी हो रहा है कि नहीं। अगर बेबी ना हो रहा हुआ तो दोनों अलग हो जाएंगे। लेडी विसलडाउन क्वीन की लंच पार्टी के बारे में कुछ नहीं लिखती, जो क्वीन को इरिटेट कर देता है। विल फेडरिंगटन की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। मरीना अपनी प्रेगनेंसी की वजह से अब डरना शुरू होती है। डैफनी और साइमन को बस इस चीज का इंतजार होता है कि उन्हें पता चल जाए कि बेबी होने वाला है कि नहीं, जिसके लिए दोनों डैफनी के मंथली साइकिल्स का वेट कर रहे होते हैं। डैफनी जब मरीना को बताती है कि उसने जनरल को हेल्प के लिए लेटर भेज दिया है, मरीना ये जान के एक मिनट के लिए तो खुश होती है, पर जब उसे पता चलता है कि उस पे साइमन के साइन नहीं हुए तो वो अपसेट हो जाती है और उम्मीद छोड़ देती है। रात कॉन्सर्ट पे एलोइस क्वीन को विसल डाउन के बारे में एक न्यू थ्योरी बताती है। पर क्वीन को अब नाम चाहिए, इसलिए वो एलोइस को इस काम से हटा के प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर रख लेती है। एलोइस अपसेट हो जाती है और बेनेडिक्ट के साथ वहाँ से निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे पता चलता है कि बेनेडिक्ट जेनेवीव को डेट कर रहा है। एलोइस को जेनेवीव से बात करके एहसास होता है कि वो ही विसल डाउन है, क्योंकि टाउन की सब लेडीज का उसकी शॉप पे आना जाना है, जबकि वो खुद भी टाउन के सब लोगों के घर जाती है, तो उससे बेहतर तो कोई भी नहीं हो सकता जिसे सबके सीक्रेट्स पता ना हो। यहाँ कॉन्सर्ट पे एंथनी सियाना को एक आदमी के साथ देख के अपसेट हो जाता है। मरीना एक ड्रिंक बना के पी लेती है और खुद अपने बच्चे को अपने हाथों से मार लेती है। डैफनी के मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत डिसहार्ट हो जाती है और अपनी मदर के गले लग के जोर जोर से रोना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपना बेबी करने का पहला और आखिरी चांस खो चुकी थी। अब साइमन ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देगा और वो ये अच्छे से जानती थी। और व्यूअर्स, यहाँ एपिसोड 7 खत्म हो जाती है। एपिसोड 8 का स्टार्ट डैफनी और साइमन से होता है, जो एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर चुके होते हैं, पर अभी इस सब की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई होती, इसलिए एक हैप्पीली कपल की तरह सोसाइटी में फिरते नजर आते हैं। मरीना पेन से अपनी सब हार्श बातों के लिए माफी मांगती है और वापस जाने की बात करती है। अब जबकि बॉल खत्म हो गया है, डैफनी अपनी मदर को बता देती है कि वो साइमन से डिवोर्स ले लेगी। तभी वहाँ लेडी फेडरिंगटन आ जाती हैं और डैफनी पास्ट की बातें पास्ट में छोड़ के उसे अपने घर पार्टी पे इनवाइट करती है। लेडी फेडरिंगटन की मेड उसे बताती है कि उनके घर सर क्रेन का कैरेज आया है, जो जान के डैफनी बहुत होपफुल हो जाती है और उनके साथ उनके घर जाती है। वहाँ पहुँच के इन्हें पता चलता है कि जॉर्ज वॉर में फाइट करते करते मर गया है, पर वो मरीना से सच्चा प्यार करता था। उसने अपने भाई फिलिप से वादा लिया था कि उसके बाद फिलिप मरीना का ख्याल रखेगा। फिलिप वो ही वादा पूरा करने मरीना से शादी करने यहाँ आया होता है, लेकिन मरीना साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जॉर्ज से प्यार करती है और अब तो उसके सर पे बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं है, इसलिए उसे ऐसा कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं समझती। एलोइस जेनेवीव को विसल डाउन समझ के क्वीन के एक्शंस के खिलाफ वार्न कर जाती है, जिस पर बेनेडिक्ट वहाँ पीछे खड़ा ये सब सुन रहा होता है और उन दोनों को लगता है कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि उनकी फैमिली को किसी और स्कैंडल को फेस ना करना पड़े। डैफनी साइमन से पूछने की ट्राई करती है कि आखिर उसके फादर ने ऐसा क्या किया कि साइमन ने ये वादा ले लिया, पर साइमन उसे कोई भी जवाब नहीं देता, बस ये कहता है कि डैफनी उसके बगैर ज्यादा खुश रहेगी। विल मैच से पहले अपनी वाइफ को वार्न कर
कर देता है कि वो हार जाएगा। साइमन को भी विल पे शक होता है। एंथनी मैच में सियाना से मिलके वापस रोमांस शुरू कर देता है। विल जानबूझ के मैच हार जाता है। डैफनी साइमन के पीछे से साइमन के फादर के रूम में जाती है, जहाँ उसे वही लेटर्स मिलते हैं जो साइमन ने अपने फादर को लिखे थे, पर उसके फादर ने उन्हें पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा। तभी वहाँ लेडी डैनबरी आ जाती हैं और डैफनी को बताती हैं कि कैसे साइमन ने ये सब फेस किया और आज वो जो है, उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही होता। साइमन विल पे गुस्सा होता है कि वो पैसों के लिए उसके पास भी आ सकता था, जिस पे विल उसे कहता है कि वो विल की फिक्र करने के बजाय अपनी मैरिड लाइफ की फिक्र करे और इस सब को ठीक करे, क्योंकि डैफनी ये सब डिजर्व नहीं करती। लेडी फेडरिंगटन इतना पैसा देख के खुश हो जाती हैं और अपनी डॉटर्स के न्यू ड्रेसेस बनवाने का फैसला करती हैं। डैफनी साइमन के साथ फिर से पोलाइट हो जाती है और चीजें नॉर्मल करने की ट्राई करती है। डैफनी साइमन के साथ अपने घर जाती है, जहाँ सारी फैमिली अच्छा टाइम गुजारते हैं साथ। बेनेडिक्ट एंथनी को अपने और जेनेवीव के साथ होने का बता देता है, पर एंथनी उस बात पे कोई रिएक्शन नहीं देता। ये देख के बेनेडिक्ट और एलोइस हैरान रह जाते हैं। साइमन को अपने छोटे बहन भाई के साथ ऐसे इन्वॉल्व होते देख के डैफनी को बहुत अच्छा लगता है और उसके अंदर साइमन को चेंज करने की होप भी आ जाती है। मरीना को एहसास होता है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। डैफनी डचेस के तौर पे अपना फर्स्ट बॉल बहुत अच्छे से अरेंज करती है। एंथनी और सियाना साथ फिर से एक अच्छा टाइम गुजारने लगते हैं। एंथनी जाने से पहले बहुत हिम्मत दिखाते हुए सियाना से कहता है कि वो बॉल पे उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। वो सोसाइटी की बातें और स्कैंडल सब साइड पे रख के सियाना को एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि वो समझ गया है कि वो सियाना से कितना प्यार करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। बॉल स्टार्ट हो जाता है। सब बहुत अच्छे से उस इवनिंग को एंजॉय करते नजर आते हैं, जहाँ साइमन विल और उसकी वाइफ को बहुत अच्छे से ड्रेस्ड देख के विल की बातें समझ जाता है। लेडी फेडरिंगटन अपनी बेटियों के साथ पार्टी में पहुंच जाती है और उसकी बेटियों को उनके मैच भी मिलने लग जाते हैं। फेडरिंगटन अभी भी अपनी जीत की पार्टी करता नजर आता है, जहाँ उसका फ्रॉड पकड़े जाने पे कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। पेन कॉलिन से मिलके उसे अपने दिल का हाल बताने की ट्राई करती है, पर उससे पहले ही कॉलिन उसे बता देता है कि वो वर्ल्ड टूर के लिए जा रहा है। ये जान के पेन फिर से अपने दिल की बात अपने दिल में ही रख लेती है। एलोइस क्वीन से मिलने जाती है तो उसके सर्वेंट से उसे पता चलता है कि उन्हें विसल डाउन के प्रिंटर का पता चल गया है। वही वो उसे अनमास्क करेंगे। ये जान के एलोइस परेशान हो जाती है और विसल डाउन को वार्न करने चली जाती है। एंथनी सियाना को बॉल के लिए लेने जाता है, पर वहाँ पहुँच के उसे पता चलता है कि इस बार सियाना उसे चीट कर रही है और उसके साथ रहने का सियाना का कोई इरादा नहीं, क्योंकि वो एंथनी को इतना स्ट्रांग नहीं समझती कि वो उसे दुनिया की बातों से प्रोटेक्ट कर सके। मजीद ये कि वो जिसके साथ अभी है, वो उसे एंथनी की तरह बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहता, बल्कि वो उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करने को तैयार है जैसी वो है। एंथनी डिसहार्ट हुए वहाँ से चला जाता है। एलोइस टाइम पे प्रिंटर शॉप के बाहर पहुँच के विसल डाउन को क्वीन के लोगों से बचा लेती है। टैनबरी साइमन के पास जाके उसका माइंड चेंज करने की ट्राई करती है और समझाती भी है कि वो डैफनी से कितना प्यार करता है। डैफनी की मदर डैफनी को समझाती है कि वो और डैफनी के फादर बेशक प्यार में थे, इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्होंने भी कोई मुश्किल फेस नहीं की थी। उन्होंने बहुत कुछ फेस किया, लेकिन कभी एक दूसरे पे गिव अप नहीं किया। इसी चीज ने उनके प्यार को इतना स्पेशल बनाया। साइमन और डैफनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल डांस करते हैं। उसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है। सब गेस्ट शेल्टर में चले जाते हैं, जबकि डैफनी बारिश में ही रहती है। ये देख के साइमन उसे ज्वाइन करता है। डैनबरी ये देख के सब गेस्ट को वहाँ से भेज देती है, ताकि साइमन और डैफनी एक अच्छा टाइम साथ गुजार कर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म कर सकें, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। डैफनी साइमन से कहती है कि वो उसकी सिचुएशन समझ चुकी है। वो जान चुकी है कि उसके फादर कितने गलत थे। अगर कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्यार डिजर्व ही नहीं करता। डैफनी साइमन से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और बस
उसी के साथ रहना चाहती है। बेशक वो उसे बच्चा दे या ना दे, पर वो उसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगी। घर पहुँच के लेडी फेदरिंगटन को पता चलता है कि उसके हस्बैंड को मार दिया गया है, साथ में वो सारे पैसे भी गायब हैं जो उसने जीते थे। लेडी फेदरिंगटन बुरी तरह रोने लगती है क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों की बहुत फिक्र होने लगती है। साइमन डैफनी के पास आता है और उसे कहता है कि वो सब भुला के डैफनी के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, जिसके बाद वो दोनों रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करते हैं और हर टेंशन को साइड पे रख के फुली इंटरकोर्स करते हैं। एलोइस पेन को हौसला देती है। लेडी फेदरिंगटन मरीना को समझाती है कि उसे सब चीजों को साइड पे रख के अपने बेबी के लिए फिलिप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और वो ऐसा ही करते हुए फिलिप के साथ चली जाती है। कॉलिन अपने फैमिली को बाय करते हुए वर्ल्ड टूर पे निकल जाता है। एंथनी फाइनली शादी के लिए हाँ कर देता है। एलोइस को पता चलता है कि जेनेवीव तो रात टाउन में थी ही नहीं, जिस पे वो बहुत अपसेट हो जाती है कि वो कितनी गलत थी और अभी तक विसल डाउन को अनमास्क नहीं कर सकी। यही हम पे रिवील होता है कि विसल डाउन और कोई नहीं बल्कि पेन है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि साइमन और डैफनी का बेबी हो गया है, जिस पे वो दोनों बहुत खुश हैं। ये एक बहुत ही क्यूट मोमेंट होता है जहाँ प्यार ने नफरत को हरा दिया और साइमन सब भुला के डैफनी के साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ गुजारता नजर आता है, जिसमें वो अपनी फादर की कोई भी गलती रिपीट नहीं करता। इसी के साथ सीजन की एक ब्यूटीफुल और हैप्पी एंडिंग हो जाती है।